जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारतीय महिला टीम और पाकिस्तान महिला टीम के बीच में रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है उसी के बारे में कि आखिरकार ये मुकाबला आप सभी कब कहाँ कैसे लाइव देख सकते हो। तो पूरी डिटेल जानकारी इस मुकाबले से जुड़ी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, वर्ल्ड कप टीम से बाहर करने के बाद इस भारतीय महिला टीम खिलाड़ी ने जारी किया बड़ा बयान, बीसीसीआई की बताई ऐसी सच्चाई कि जानने के बाद पूरी दुनिया रह गई हैरान। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि ये भारतीय खिलाड़ी करता था पिज्जा की डिलीवरी और अब 21 सीरीज में 3 हैट्रिक लेकर पूरी दुनिया को चौंकाया। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे, तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय महिला टीम पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ मुकाबला जीते तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि एक तरफ जहां भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय महिला टीम के भी दौरे चालू हो चुके हैं, जहां पर अब आप सभी को भारतीय महिला टीम भी रोमांचक वनडे और T20 सीरीज खेलती हुई नजर आने वाली है। लेकिन दोस्तों इसी बीच हम आपको बता दें कि इस बार भारतीय टीम की निगाहें ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 पर होंगी, क्योंकि इस खिताब को जीतने के लिए सभी देशों की टीमें काफी ज्यादा मेहनत करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में शुरू होने वाले ICC महिला वर्ल्ड कप के लिए भारत ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, जहां पर अनुभवी तेज गेंदबाज शिखा पांडे और जेमिमा रोड्रिगस को टीम में जगह नहीं दी गई है। तो वहीं दोस्तों 32 साल की शिखा ने अपना आखिरी वनडे जुलाई में खेला था, वह सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा भी थी। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टीम मुकाबला खेला जाने वाला है वो बेहद ही रोमांचक होगा, जहां पर ये मुकाबला ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 के अंतर्गत आएगा। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर पिछले कुछ मुकाबलों की बात की जाए तो पाकिस्तान महिला टीम का प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा है, जहां पर पाकिस्तान महिला टीम ने इंग्लैंड जैसी टीम को भी हराने का दमखम रखा है। और ऐसे में दोस्तों अब हर किसी की निगाह भारतीय महिला टीम पर होगी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय महिला टीम ने जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का दौरा करा था तो उनको दोनों ही सीरीजों में हार का सामना करना पड़ा था और भारतीय महिला टीम ने निराशजनक प्रदर्शन किया था। लेकिन दोस्तों अब उम्मीद होगी कि पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला खेला जाने वाला है उसमें भारतीय महिला टीम दमदार प्रदर्शन कर पाकिस्तान की टीम को बैकफुट पर ढकेलने का काम करे। वहीं दोस्तों बात करें इस मुकाबले की टीम के बारे में, तो टीम में तेज गेंदबाज मेघना सिंह और रेणुका सिंह को जगह मिली है, और वहीं 21 साल की यस्तिका भाटिया पर भी सेलेक्टर्स ने भरोसा जताया है। तो वहीं मेघना एकता विष्ट सिमरन दिल बहादुर को स्टैंड बाय में रखा गया। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला 6 मार्च को पाकिस्तान की टीम के खिलाफ खेलेगी। तो वहीं वर्ल्ड कप से पहले भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी खेलनी है और उसके लिए भी यही टीम चुनी गई है। और वहीं एकमात्र T20 इंटरनेशनल के लिए भी टीम का ऐलान किया गया है। तो वहीं दोस्तों T20 मुकाबला न्यूजीलैंड और भारत के बीच में T20 मुकाबला 9 फरवरी को खेला जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय टीम के बारे में, जो भारत की आप सभी को टीम दिखाई देने वाली है उसमें मिताली राज को बतौर कप्तान चुना गया है, तो वहीं हरमनप्रीत कौर उप कप्तान है। तो वहीं टीम में स्मृति मंदना, शेफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, स्ने राणा, झूलन गोस्वामी, पूजा वस्त्रकार, मेघना सिंह, रेणुका सिंह, तान्या भाटिया, राजेश्वरी गायकवाड़ और पूनम यादव को टीम में चुना गया है। तो ऐसे में दोस्तों अब देखना ही काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि भारतीय महिला टीम का प्रदर्शन किस तरह से रहता है पाकिस्तान टीम के खिलाफ, और क्या ICC वर्ल्ड कप 2022 का पहला मुकाबला भारतीय टीम पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ जीतेगी या फिर नहीं। बाकी दोस्तों अब आपकी क्या राय है इस मुकाबले के बारे में और आपको क्या लगता है क्या भारतीय टीम जीतेगी या फिर हारेगी इस मैच में? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इन चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, इस लड़की का वर्ल्ड कप टीम से बाहर होना समझ से परे, BCCI को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, BCCI की राष्ट्रीय महिला चयन समिति ने 5 जनवरी 2022 को ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम का चयन किया, लेकिन इस टीम में कई ऐसे खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली जिन्होंने बीते साल धमाकेदार प्रदर्शन किया था और अब इस टीम के सिलेक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच चुका है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई इस भारतीय महिला टीम में बल्लेबाज पूनम राउत को जगह नहीं मिली है, जो कि हैरान करने वाला फैसला है। तो वहीं खुद पूनम ने अपना सिलेक्शन न होने से हैरानी जताई है और अपना हाले दिल बयां किया, जहां पर उन्होंने एक बड़ी पोस्ट लिखी जैसे कि आप सभी यहां पर स्क्रीन में देख सकते हो। और यहां पर उन्होंने यही बताया कि उन्होंने पिछले साल ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया था और फिर भी उन्हें जगह BCCI ने क्यों नहीं दी, ये उनकी भी समझ से परे है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में, आप अपनी कीमती राय
और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच में 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है, जहां पर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के 2 मुकाबले सफलतापूर्वक खेले जा चुके हैं और 2 मुकाबलों में दोस्तों भारतीय टीम को एक में तो जीत मिली और दूसरे मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा। दरअसल दोस्तों पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए अपनी गेंदबाजी के बलबूते पर 113 रनों से मुकाबले को जीता था। हालांकि बल्लेबाजी उस मुकाबले में काफी ज्यादा शानदार भी रही थी, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे टेस्ट मुकाबले की तो दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन हम सभी को मैदान पर देखने के लिए नहीं मिला, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से कोई भी बल्लेबाज इतनी बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हो सका, जिसके चलते भारतीय टीम को इस मुकाबले में 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका की टीम ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन कर टीम ने जीत हासिल करी और साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान डीन एल्गर का बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए जरूर एक चिंता का विषय होगा। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में कप्तान डीन एल्गर को ही प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया था। हालांकि दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय टीम के बारे में तो भारतीय टीम की गेंदबाजी तो काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन बल्लेबाजी पक्ष भारतीय टीम का कमजोर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर मिडिल ऑर्डर रन बनाने में नाकामयाब हो रहा है और अब ऐसे में मिडिल ऑर्डर में बदलाव करने का समय आ चुका है, जहां पर नए और युवा खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट की टीम में अब शामिल बीसीसीआई करने का विचार बना रहे। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे, जिसके चलते अब अजिंक्य रहाणे का टीम से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है और उनकी जगह पर अब हनुमा बिहारी आप सभी को खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर बीसीसीआई ने काफी बड़ा फैसला लिया है। तो आइए चलिए अब हम आपको भारत की पूरी प्लेइंग 11 टीम बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है एडम गिलक्रिस्ट का, जहां पर एडम गिलक्रिस्ट कहते हैं कि भारत का प्रदर्शन शुरुआत में शानदार था, ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लेगी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता रहा भारतीय टीम के खिलाड़ी कमजोर और बेबस नजर आने लगे। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में वापसी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा और साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ हारना भारतीय टीम के लिए एक शर्म वाली बात है, लेकिन यहाँ पर तारीफ साउथ अफ्रीका की टीम की करनी होगी जिन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन इस दौरान कर दिखाया था। वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, जो अगला बयान निकल कर आता है वो माइकल हसी का, जहाँ पर माइकल हसी कहते हैं कि भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी ज्यादा बेहतरीन था, तो उसके बाद हम और कुछ भी एक्सपेक्टेशंस मैदान से रख नहीं सकते और वही हम सभी को देखने के लिए मिला। आसानी से भारत इस मुकाबले को जीत जाता, लेकिन बारिश की वजह से भारतीय टीम को इस मुकाबले में काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।